और मैं हिंदुस्तान लाइव आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिस दिन मंदिर टूटा था आप लोगों ने रात भी पूरा पूरा उसको लाइव दिखाया, जिससे कम से कम लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों में गुस्सा आया कि मंदिर के साथ दुहात हो रहा है। चांदनी चौक गंगा जमुनी तहजीब कहलाती है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई आपस में रहते हैं, सब धार्मिक स्वतंत्रता से पूजन पाठ करते हैं। पहले पार्टियों के मतभेद थे लेकिन आज कोई मतभेद नहीं नजर आया, सब पार्टियां एक साथ हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी जो सिर पे टोपी लगाए हुए थे या माथा टेक के गए, प्रसाद लेकर गए, चढ़ावा चढ़ा कर गए, इसका मतलब सारे समाज की, पूरी दिल्ली की, पूरी चांदी चौक की सहमति है, अनुमति है, हम सब लोग एक है। तो आपको ना उसी दिन रात को मैंने आपसे कहा था कि आप पहले चैनल वाले हैं जो हमारी रात को 3 और 4 बजे के बीच में बाइटे ले रहे हैं, हमारे से पूछ रहे हैं भाई क्या हो रहा है, क्यों इतना फोर्ट आई हुई, क्यों इसको किला बना दिया गया है। उससे पहले कोई चैनल वाला नहीं था, लेकिन आपका धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, आपने जो हमारी बातों को इतने विस्तार से रखा, देश विदेश में चर्चा का विषय बनाया, उसके बाद जो सारे चैनल वाले यहाँ आए उन चैनलों के प्रसारण से जो इस मंदिर को, हनुमान जी के उस विध्वंसता को जो इतनी बड़ी एक वो दिशा मिली, मुहिम मिली, उस मुहिम का ही कारण है। जिस समय मंदिर को हटाया गया ये आपके इस चैनल के माध्यम है, जो आपने इसको जो देश और विदेश में इतनी बड़ी चर्चा के ऊपर उठा दिया। हिंदुस्तान लाइव चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मंदिर टूटने के प्रकरण को जिस लेवल पर उठाया है, लोगों का विरोध प्रदर्शन हुए हैं और सरकार जागी है कुछ, साथ में लोगों का जो आक्रोश था वो फूटा है। 3 जनवरी 2021 की वो रात थी, आपको याद होगा कि चांदनी चौक में जो बीचों बीच सड़क के मंदिर, हनुमान मंदिर बना हुआ था, उसको किस तरह खंडित किया गया, तोड़ दिया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों की लगातार कोशिशों के बाद मंदिर रोड के अब बीच में, यानी जो जाने वाला और आने वाला रास्ता है, अब वहाँ ना हो करके जो बीच में सेंट्रल वर्ज है वहाँ स्थापित किया गया है, वापस जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। ये मैं आपको दिखा दूँ, भक्तों का कल से अब तक यहाँ तांता लगा है, भीड़ लगी है, और सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो क्रेडिट लेने के लिए अब नेताओं की भी होड़ लगी है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित, बीजेपी शासित एमसीडी है, नॉर्थ एमसीडी में चांदनी चौक का इलाका आता है और पूरी जो कार्रवाई हुई कोर्ट की ऑर्डर के बाद उन्हीं के ऊपर ये सिर बांधे बांधा गया कि जो भी कुछ कार्रवाई की गई है वो एमसीडी की तरफ से की गई है। एमसीडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है, पीडब्ल्यूडी की यहां पर तमाम गाड़ियां पहुंची और उस वक्त में हमने देखा कि बुलडोजर्स के जरिए उस वक्त के बनाए हुए हनुमान मंदिर को उस वक्त खंडित किया गया था। लेकिन अब तमाम जितने भी नेता हैं, वो बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों या फिर कांग्रेस के हों, अब यहाँ पर हनुमान मंदिर पे माथा टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो यहाँ पर पहुंचे, अलावा उनके जो नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं जेपी जयप्रकाश, वो यहाँ पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने आकर के दुर्गेश पाठक ने, और साथ ही जो चांदनी चौक से एमएलए है प्रहलाद सिंह सानी, वो यहाँ पहुंचे। तो सोचिए कि जिस वक्त में मंदिर को खंडित किया गया था वो रात नहीं भूले यहाँ के लोग, वो रात नहीं भूले देश भर के आवाम, लेकिन आरोप प्रत्यारोप चलता रहा था और आज जब यहाँ के लोगों की कोशिशों के बाद सेंट्रल वर्ड पर न रोड के उधर न रोड के उस तरफ, दोनों रोड के बिल्कुल दरमियान में बना दिया गया है मंदिर, स्थापित कर दिया गया है, ये स्टेनलेस स्टील और साथ में जो ग्लास शीट्स है उसके जरिए ये बनाया गया, वो पूरे प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन किया गया। यहाँ पर इस वक्त सेलिब्रेशन चल रहा है पूरी तरीके से, मैं आपको दिखा दूँ, लोग भक्त यहाँ सब पहुँचे हुए हैं, नगाड़े बजाए जा रही है, शहनाई बजाए जा रही है, यहाँ पर Thank you.
राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो तमाम चेहरे जो उस वक्त आपने बेहद उदास, रोते हुए और गमगीन देखे थे, आज आपके सामने वो खिले हुए चेहरे, इन लोगों की मेहनत और इन लोगों की खुशी आज जाहिर कर रही है कि वापस हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित करने में इसी जगह पर चांदनी चौक के इसी सेंट्रल वर्ड पे ये लोग कामयाब हुए। और लगातार जो राजनीति की जा रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, प्रदर्शन किए गए, तमाम कुछ हुआ, लेकिन इन लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, जाया नहीं गई। ज्यादा वक्त नहीं लेता, सीधा इन्हीं तमाम लोगों से पूछता हूँ। देखिएगा, ऐसा जब 3 तारीख की रात को यहाँ पर फिर रामायण का पाठ चल रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, उस दौरान जो है हमको बगैर बताए फोर्स लगा करके जो है किसी के साजिश के तहत, जिस समय जो यहाँ गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर है, उनकी साजिश के तहत मंदिर को हटाने के लिए यहाँ बुलडोजर आ गए। हमने कहा कि रामायण का पाठ चल रहा है और आज तक जो भी डोनेशन हुए हैं वो कभी भी रात के समय में नहीं हुए। रात के समय मंदिर खुला हुआ नहीं होता, आप लोग दिन के अंदर आए, लेकिन माननीय उनको मैं माननीय तो इसलिए कहूंगा, डीसी साहब स्वयं मौजूद थे और उन्होंने सौंदर्यकरण के नाम पर जो है मंदिर को हटाने का प्रस्ताव पास किया। हमने कहा मंदिर सौंदर्यकरण में कोई बाधा नहीं है, ये मंदिर हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, जहाँ सौंदर्यकरण के नाम पर मंदिर को हटाया जाए, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने मंदिर हटा दिया गया, हमको फोर्स द्वारा उठा के फेंक दिया गया और यहाँ से मंदिर हटा दिया गया। हम उसी दिन से दिल के अंदर बहुत बड़ी पीड़ा थी, जो इस समय मौजूदा सरकार है दिल्ली की, उसके जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने हमसे बार बार कहा कि सौंदर्यकरण में मंदिर कहीं नहीं हट रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मंदिर हटा दिया गया। मैं उनसे भगवान के सामने केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपसे जो गलती हुई थी वो गलती तो यहाँ पूरी स्वयं भगवान हनुमान जी महाराज ने, वो यहाँ से उठ के गए, लंका में आग लगाया है और आकर के अपने स्थान पर आ गए। अब भगवान उनको सुख बुद्धि दे कि वो स्वयं यहाँ आए और आकर के जो है भगवान के सामने माता रगड़ के अपनी गलती माने। और देखो मोदी जी का एक ही नेतृत्व है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे चर्च है, वो किसी भी धार्मिक स्थल को हटाना नहीं, बनाना जानते हैं। हमने उनको प्रेशर डाला, उन्होंने कहा ये बिल्कुल जो है मौजूदा सरकार जो दिल्ली के उसने गलत किया है, हम इसको पुनः स्थापित कराएंगे, और वो हुआ। लेकिन अब यहाँ पे जो है, चाहे वो आपके हैं और चाहे कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी के लिए हम कहना चाहते हैं, वो तो सब आएंगे यहाँ पे जो है, उनका काम है जो है, वो तो अपना आएंगे, उन्होंने आकर के कल ही यहाँ पे जो है सबने मत्था टेका। आज आप वाले भी आए, हमारे यहाँ के जो विधायक है पहला सहानी, वो आए अपने विधायक, उन्होंने यहाँ पे जो हमारे बाबा जी वहाँ से उठे, वो अपनी इच्छा से उठे और अपनी इच्छा से यहाँ विराजमान हो गए। उसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा चांदनी चौक की जनता को, चांदनी चौक के लोगों को, चांदनी चौक के आवाम को, चांदनी चौक के दुकानदारों को, इन सबको मैं क्रेडिट दूंगा। इन सब लोगों की मेहनत से, इन सब लोगों की मेहनत और इन सब लोगों का विश्वास, आज बाबा जी को पुनः यहाँ दर्शन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्वयं बाबा जी यहाँ उपस्थित होकर के यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। 3 तारीख और 2 तारीख के बीच में रात को आपको कहा था कि जितनी भी पार्टी देश में, ये सब आपस में नूरा कुश्ती खेल रही है। अब इनका नूरा कुश्ती में फैसला नहीं हुआ कौन जीता कौन हारा, लेकिन इनकी नूरा कुश्ती में बाबा जीत गए और बाबा जाते हैं वहीं आ गए। अब ये अपनी जेब मिटा रहे हैं, ये अपने मुंह पे कलंक, अपने मुंह का कलंक धोने के लिए बार बार आ रहे हैं। पहला सिंह सानी जी से मंदिर टूटने से पहले हमने बड़ा निवेदन किया, 200-250 आदमियों के उन्होंने सिग्नेचर सौंपे कि पहला सिंह जी आप यहाँ के विधायक हैं, आप इस मंदिर को बचाने में प्रयास कर रहे हैं, नहीं माने, वो आश्वासन दिया। ओके, उसके बाद जेपी जी के भी पास गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, सबने आश्वासन दिया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ, मंदिर को तोड़ दिया गया। आज हमारे 1.5 महीने के अथक प्रयासों से हमारे भाई साहब लगे रहे, दिन रात लगे रहे, हमारे साथ लगे रहे, इनके अथक प्रयासों से, कमेटी के तमाम लोगों के अथक प्रयासों से, चांदनी चौक की जनता के विश्वास के साथ जो कार्य हुआ, बाबा जी आज पुनः स्थापित हो गए वहीं चांदनी चौक उसी स्थान पर। और मैं चाहता हूं कि जितना भी विश्वास दिल्ली की जनता ने, चांदनी चौक की जनता ने बाबा जी पे दिखाया, बाबा जी स्वयं अपने दर्शन देने उन्हें अपने स्थान पर विराजमान हो गए। और मैंने चांदनी चौक में जितने भी पेड़ हैं लेके लाल किले से फतेहपुरी तक के, इनके ऊपर सबसे हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है, और वो 13 नंबर का पेड़ था जो मंदिर के बीचों बीच था, इन्होंने मंदिर हटाया, चलो इनकी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन दिल्ली में जिस प्रकार से पोल्यूशन है और पोल्यूशन को देखते हुए आपको पेड़ तो हटाना ही नहीं था, फिर भी आपने इस बात को लेकर के पेड़ हटा दिया कि अब जितने संस्था आ रही हैं, जितने लोग आ रहे हैं, वो सब मंदिर के पेड़ की तरफ को भागे चले आ रहे हैं। प्रशासन की मजबूरी हो गई,
कि यार ऐसा ना हो कि इस पेड़ की आड़ में दोबारा से मंदिर बना दिया जाए, इसलिए प्रशासन ने सारी बातों को हाई कोर्ट के स्टे को ताक पे रखते हुए और रात ही रात बड़ी बेदर्दी के साथ पेड़ को पहले फांसी लगाई गई, फिर उसको काटा गया, फिर उसकी पत्तियां छाटी गई, फिर उसको पीडब्ल्यूडी के ट्रक में डाल करके कहां ले गए किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल माफी तलब करनी चाहिए। मैं तो दिल्ली के मुख्य अरविंद केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं सीधे तौर पर। अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को हनुमान भक्त कहते हैं, चुनावों के टाइम पर उन्हें हनुमान भक्ति याद आ जाती है। और उसके बाद जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीते थे उन्होंने कहा था कि दिल्ली पर हनुमान जी की कृपा हुई है। और 3 जनवरी 2021 को अरविंद केजरीवाल जी ये भूल गए थे कि दिल्ली पर चांदनी चौक में भी एक हनुमान मंदिर है जिनके ऊपर कृपा कुछ समय पहले की गई थी। चुनावों में उनके ऊपर हनुमान जी ने कृपा कर दी थी और 3 जनवरी 2021 को कृपा नहीं करी थी, उन्होंने हनुमान जी का मंदिर ही उखड़वा दिया था। लेकिन परसों रात को जिस प्रकार से कुछ राम भक्तों ने यहाँ पे मंदिर निर्माण किया और हमें सुबह सूचना मिली और हम आए, हमारा खुशी का कहीं ठिकाना नहीं है। ये चांदनी चौक की जीत है, चांदनी चौक की जनता की जीत है। मेहनत काबिल हुई है, हनुमान जी का उन सभी को आशीर्वाद मिला है। और रही दूसरी बात, अभी आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय क्यों ना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का श्रेय इसलिए है भाई साहब क्योंकि मोदी सरकार केवल मंदिर बनवाने में विश्वास रखती है, मंदिर तोड़वाने में विश्वास नहीं करती। जबकि अरविंद केजरीवाल जी के विधायक को सूद तक नहीं आई कि मंदिर टूट रहा था, तो वो उसके अगले दिन आकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। लगातार रात को फोर्सें आई, हम लोग रात भर यहाँ पर अखंड बैठ का पाठ हम लोगों ने रखा हुआ था, फोर्स वापस चली गई। लेकिन जिस दिन ये कांड हुआ है उससे कुछ टाइम पहले भी हम लोगों ने यही कहा था कि हमारे को मंदिर के लिए छोटी जगह दी जाए। अगर ये मंदिर आप कहते हैं सौंदर्यगढ़ के अंदर बीच में कोई परेशानी है तो सेंटर बस दे दिया, कुछ और दे दिया है। लेकिन सरकार में हमने जगह जगह जाके लेटर दिए, ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनवाई करी, जो कि दिल्ली सरकार इस टाइम गद्दी में बैठी हुई है। लास्टली लास्ट में रात को 3:30 बजे करीब मंदिर का एक ध्वस्त कर दिया गया बिना सबको बताए हुए, फुल फोर्स लगाने के बाद। अब आज जब चांदनी चौक में भगवान जी प्रकट हुए हैं, हम लोगों में बहुत खुशी है, बड़ा उत्साह है सब में। और मैं हिंदुस्तान लाइव आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि जिस दिन मंदिर टूटा था आप लोगों ने रात भी पूरा उसको लाइव दिखाया, जिससे कम से कम लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों में गुस्सा आया कि मंदिर के साथ दुहात हो रहा है। चांदनी चौक गंगा जमुनी तहजीब कहलाती है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई आपस में रहते हैं, सब धार्मिक स्वतंत्रता से पूजन पाठ करते हैं। लेकिन ऐसा क्या अड़चन इस सुंदर छोटे से मंदिर में आ रही थी जिसे कुछ विध्वंसकारी लोगों ने ये कहकर के चांदनी चौक सौंदर्यगण में एक छोटा सा धब्बा है, ये ऐसे कहकर मंदिर को एक धब्बे तरीके से रात को हटवाया है, मैं उनका घोर विरोध करता हूँ। और हनुमान जी जो कि ये क्षमा वाचना के देवता कहलाते हैं, जिन लोगों ने मंदिर को ध्वस्त कराने में अपने वो फरमान पास करे थे, वो आके अल्लाह रख रहे बाबा से माफी मांगे, जिनके बाबा उनको जिंदगी और उनकी जो गद्दियाँ जिनको बाबा जी के आशीर्वाद से मिली थी वो उनके बरकरार रहे। कि हनुमान जी की जो शक्ति है वो इतनी विराट है कि उसको आप पकड़ नहीं सकते, उसकी अनुभूति प्रकट होने के बाद ही होती है। ये हनुमान जी की शक्ति का प्रकटीकरण है कि ये मंदिर यहाँ पर बना है। और आज सबसे जो अच्छी बात है, पहले पार्टियों के मतभेद थे लेकिन आज कोई मतभेद नहीं नजर आया, सब पार्टियां एक साथ हैं। और बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई भी जो सिर पे टोपी लगाए हुए थे या माथा टेक के गए, प्रसाद लेकर गए, चढ़ावा चढ़ा कर गए, इसका मतलब सारे समाज की, पूरी दिल्ली की, पूरी चांदनी चौक की सहमति है, अनुमति है, हम सब लोग एक हैं। क्योंकि चांदनी चौक की जो कल्चर है हम सब मिलजुल के रहते हैं और हनुमान बाबा के ये मैं समझता हूँ प्रेरणा ही है। जो लोग भी इस काम में जुटे ना, कोई व्यक्तिगत किसी का कोई स्वार्थ नहीं था, सभी पार्टियों के लोग थे और सबने मिलकर हनुमान जी की प्रेरणा से ये मंदिर यहाँ स्थापित हुआ है। मैं समझता हूँ ये हनुमान जी की जीत है, इस देश की जीत है, सच्चाई की जीत है, पवित्रता की जीत है। नहीं भाई साहब, मैं तो आपको ना उसी दिन रात को मैंने आपसे कहा था कि आप पहले चैनल वाले हैं जो हमारी रात को 3 और 4 बजे के बीच में बाइटे ले रहे हैं, हमारे से पूछ रहे हैं भाई क्या हो रहा है, क्यों इतना फोर्स आई हुई, क्यों इसको किला बना दिया गया है। उससे पहले कोई चैनल वाला नहीं था, लेकिन आपका धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद, आपने जो हमारी बातों को इतने विस्तार से रखा, देश विदेश में चर्चा का विषय बनाया, उसके बाद जो सारे चैनल वाले यहाँ आए उन चैनलों के प्रसारण से जो इस मंदिर को हनुमान जी के उस विध्वंसता को जो इतनी बड़ी एक वो दिशा मिली, मुहिम मिली, उस मुहिम का ही कारण है, आप लोगों का ही कारण है, आप लोगों की तो आप भी बाबा जी के कार्य में एक बहुत बड़ा कारण बने, एक जरिया बने, बाबा जी को पुनः यहाँ स्थापित हुए बाबा जी, इसमें आप लोगों का चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान लाइव चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मंदिर टूटने के प्रकरण को जिस लेवल पर उठाया है, लोगों का विरोध प्रदर्शन हुए हैं और सरकार जागी है कुछ, साथ में लोगों का जो आक्रोश था वो फूटा है, जिससे कारण यह हुआ कि भगवान जी का मंदिर दोबारा यहाँ पर स्थापित हुआ और आपके चैनल सबसे पहले यहाँ आया। गोदी मीडिया कोई यहाँ नहीं आया जो एक दूसरे की गोदी में बैठ के काम करते हैं,
आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो निष्पक्ष रूप से आपने हमारे को सारे के सारे में प्रसाद किया, जिसको देखने के बाद बहुत से चैनल यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा की आप पे कृपा बनी रहे, आपका चैनल इसी तरह जुड़ा रहे। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसी हनुमान मंदिर के बाहर से आप लोगों की ये तस्वीरें हमने दिखाई हैं, उस वक्त भी लगातार दिखाया और आज भी हमने इसी जगह दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान यहिया, आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान यहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।